अभी आपने संगठन की मजबूती की कुछ बात करी थी कि संगठन को मुझे मजबूत करना है, एक आयाम पहुँचाना है, और अभी क्या कमियाँ रह गई? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहाँ भी देखो वहाँ आपकी सरकार है, ज़्यादातर पूरे देश को तो आपने भगवा बना दिया, अब कसर कहाँ रह गई जो आप चाहते हैं? देखिए, संगठन मजबूत से मेरा मतलब ये है कि जो हमारा ढांचा है और जहाँ हम कुछ कमियाँ कर जाते हैं, कमियाँ करने मतलब परिपूर्ण तो कोई व्यक्ति होता नहीं है। मान लो कि हम कहीं पर किसी भी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते, तो मेरा अपना मानना यह है कि मैं उस काम में आगे बढ़ूं और मेरा पूरा प्रयास ये रहे कि कोई भी योजना का लाभ उस स्तर तक जाना चाहिए जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति से वो योजना का लाभ मिलेगा और योजना का लाभ वास्तविकता में उस व्यक्ति के लिए मिलेगा, तो कहीं ना कहीं संगठन के लिए तो मजबूती प्रदान होगी। तो मेरा आशा उस चीज़ से है कि योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे राज्य सरकार में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जो भी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है, एक गरीब व्यक्ति के लिए वो योजनाओं का लाभ उस गरीब तक मिलना चाहिए जिससे संगठन और हमारा मजबूत हो। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हमने देखा है कि चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब तक चुनाव जीते उन्होंने तो एक ही बात कही कि जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लग जाते हैं तो उसकी जो डालियाँ हैं वो झुक जाती हैं और झुक कर ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारे बड़े लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी बात में ये चीज़ है जो आमतौर पर अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जितना उनका स्वभाव सरल है, उनका व्यक्तित्व सरल है, उनकी कार्यशैली इतनी सरलता से वो आगे बढ़ जाते हैं कार्य करते करते, तो वो सरलता और वो विनम्रता आनी चाहिए। वो चाहे संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको नरम तो होना ही चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिवाइस सिस्टम में जो विधायक हैं वो बीजेपी से, सांसद हैं बुलंद शहर पर वो भी बीजेपी से, अब आप भी बीजेपी से, आपको भी एक पदभार मिला है, तो लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं जो छोटे स्तर की जो राजनीति रही है उसमें कुछ कमियां रही, क्योंकि आज तक हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उंगलियाँ उठा लेते हैं क्योंकि विकास जो है जमीन स्तर पर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। आपका नाम विकास है, आप कितने जमीन स्तर पर जाएंगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपसे इस बात से थोड़ी सी नाइफाकी रखूँ। हमारे सांसद महोदय वो भी योजनाओं का लाभ हमारे इस क्षेत्र की जनता को दिला रहे हैं। हमारे यहाँ की MLA माननीय डॉक्टर अनीता राजपूत जी वो भी अपना काम बखूबी कर रही हैं। अब वो एक अलग बात है कि कहीं कोई व्यक्ति छूट जाए, छूटना नहीं चाहिए, और हमारी जो विधायिका हैं उनका पूरा प्रयास ये रहता है कि वो अपने पूरे क्षेत्र में हर तरीके से घूम रही हैं और आज भी उनका प्रवास चल रहा है और कहीं तक वो भी पूरा अच्छा काम कर रही हैं। हो सकता है कहीं कुछ छूट भूल हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भूल हो रही है तो आप हमारे मीडिया से हैं, तो हम भी उनसे ये निवेदन करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति छूट रहा है और आप हमें यदि बताते हैं तो उन योजनाओं को या उस व्यक्ति को यदि कोई लाभ चाहिए तो वो लाभ हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, उसकी सहायता भी करेंगे। जो आप चैनल पर चलेगा, जनता ऐसे देख रही है, आपके क्षेत्र में जनता ऐसे देख रही है, उसके बाद ऐसी जो क्षेत्र में जो जनता है जो आज भी दुखी और परेशान है, वो आपसे अगर मिलेगी और मिलना चाहे तो आप किस तरह से उनसे मिलेंगे और क्या पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे उनको? देखिए, मैं भी BJP का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आता है तो जाहिर सी बात है, एक छोटा सिपाही होने के नाते मैंने आपसे पहले भी कहा
कि ये पद नहीं है, ये जवाबदेही है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मुझ तक पहुंचता है तो ये मेरी जवाबदेही बनती है कि मेरे इस क्षेत्र में, मेरे इस मंडल में वो पीड़ित क्यों हुआ। अगर वो वास्तविक पीड़ित है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम उसकी हर संभव सहायता अपने स्तर से, विधायक स्तर से, या अगर वो सांसद स्तर की यदि कोई उसकी मदद संभव करनी होगी तो हम हर स्तर से उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से जो आपकी बात है, इस तरह से मुझे लग रहा है कि राजनीति बदल जाएगी, जो आप जैसे सोच रहे हैं। देखिए भैया, राजनीति का अपना अपना लोगों के मन में अपनी अपनी अलग अवधारणा है। मेरा अपना मानना यह है कि हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, हमको लोगों के दुख और सुख दोनों हम जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुख जो होता है, अगर मुझे वास्तविकता में दूसरे व्यक्ति का दुख पता है तो मैं उसका दुख दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा जितना संभव मुझसे हो पाएगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सहयोग हमारी पार्टी को मिलता रहेगा और हमारी पार्टी नए आयामों को छूती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।